हेलो, आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। और मैं यहाँ सुबह से बात नहीं कर पाई हूँ, और सुबह मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई और थोड़ा सा मैं वही सोच रही थी, चलो अभी थोड़ी सी बना लेती हूँ और आप लोगों से बातें कर लेती, क्योंकि तबीयत भी नहीं ठीक है थोड़ी सी, और आँख पूरी जलन हो रही है, आँखों में बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया है, मुझे सर्दी हो गई है। और आज तो मैं कहीं घर से बाहर भी नहीं निकली, कहीं जाना भी नहीं, मार्केट भी नहीं गया, आज केवल मैं दिन भर, आज 3 दिन से मैं घर के अंदर ही हूँ, कहीं जाने का मौका ही नहीं मिला। और तबीयत भी नहीं ठीक है, तो कहाँ मैं जाऊँगी, और घर के काम तो करने ही करने हैं। तबीयत खराब रहेगी तो भी लेडीजों को काम करना है, अच्छी रहेगी तो भी काम करना है, काम तो किसी कीमत में करना ही है, काम कभी लेडीजों को छूटने वाला नहीं है। और मुझे काम करने में कोई आलस नहीं आती, पर तबीयत जब खराब रहती तब थोड़ा सा काम करने का कम मन करता है, कहीं जाने का मन नहीं करता है। और जैसे मार्केट वगैरह भी कहीं मैं नहीं गई 3 दिन से, बाहर मैं घर से बाहर कहीं निकली भी नहीं हूँ। और कल जैसे बात किया था मोदक बनाने के लिए, चतुर्थी व्रत कर लिया, इसलिए और मुझे जो है ना ज़्यादा कमजोरी हो गई है, सुस्ती हो गई शरीर मेरी, क्योंकि कल व्रत कर लिया, नमक तो मैं खाती नहीं हूँ, पूरा दिन नमक गया नहीं है इसलिए। और काम भी कल ढेर सारे हो गए 2-3 दिन, रक्षाबंधन से डेली काम इतने ज़्यादा हो जा रहे हैं पूछो मत। तो ऐसे सब रूटीन चल रहा है अस्त व्यस्त, सब कोई आ रहा कोई जा रहा कोई आ रहा, रोज़ गेस्ट आते हैं, कोई ना कोई फ़ोन करके बोल देता है रक्षाबंधन में नहीं आ पाई हूँ, मैं आ रही हूँ, आज ये त्यौहार है, तो कोई किसी को आने के लिए मना नहीं करता, ठीक है आजा फिर आ रही है। तो जब फ्रेंड्स हमारे आ गए तो ये सब भी काम बढ़ जाते हैं। और सर्दी कैसे मुझे हो गई, मैंने क्या काम किया, मैंने अमरूद खा लिया, और यहाँ पेरू बोलते हैं उसको, अमरूद खाने के बाद मैंने केला खा लिया, अकेला खा के मैंने पानी पी लिया, मैंने अपनी दवाई खुद अपने से कर ली है। मुझे आइडिया ये था कि नहीं होगा, मुझे ऐसा नहीं लग रहा था जुकाम मुझे हो जाएगी, फिर भी शाम तक थोड़ा सा लगा, मैंने कहा नहीं नॉर्मल है, चाय पी। अभी दोपहर का खाना बन गया है मेरा, खाना बन के रेडी हो गया है, और मैं आज नमिता किचन में आप लोगों को कुछ ज़्यादा नहीं दिखा पाऊँगी, थोड़ा बहुत ही दिखा पाऊँगी, क्योंकि तबीयत ख़राब होने की वजह ज़्यादा मैं कुछ करके नहीं दिखा पाऊँगी आज। और मैं अगली वीडियो में अच्छा सा कुछ बढ़िया स्पेशल बना के ज़रूर दिखाऊँगी, और आज मैं किचन में ही बैठ के अभी बातें कर रही हूँ। अभी बारिश यहाँ की बंद हो गई है, कम बारिश हो रही है, 1-2 दिन होती है, 2 दिन धूप निकल जाती है, गर्मी भी है, मौसम सामान्य नहीं है, कभी धूप कभी गर्मी ऐसा यहाँ पर चल रहा है, इसी वजह से क्लाइमेट ख़राब होने की वजह से जिसको देखो उसी को सर्दी है, और यही मौसम चालू है अभी तो। चलिए अब मैं आप लोगों को नमिता किचन में ले चलती हूँ। आज मैंने एप्पल जूस बनाया है, और मैंने एप्पल कट करके रख लिया, बाउल में पानी डाला है, और एप्पल भी 2-4 पीस डाल दिए, उसमें 2-3 बूंद केवल नींबू के डालने हैं, केवल 2-3 बूंद, ज़्यादा मत डालिएगा, नहीं तो जितना आपको खट्टा चाहिए उस हिसाब से। चीनी मैंने दिखा दिया, और एप्पल को ग्राइंडर में डाल के पीस लेना है जैसे मैं दिखा रही हूँ, पीसने के बाद उसको छन्नी से, चाय वाली छन्नी या बड़ी छन्नी हुई उससे डाल के छान लेना, उसमें काली मिर्च और थोड़ा सा हल्का सा नमक फ्लेवर के लिए डाल देना है। डालने के बाद एप्पल जूस आपका तैयार, झटपट 5 मिनट में तैयार हो जाए, बच्चे खुश भी हो जाते हैं और हेल्दी भी है और बहुत बढ़िया भी लगता पीने में। और थोड़ी काली मिर्च हल्का सा नमक, मैं फिर से आप लोगों को बता, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, थैंक यू।